नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह आपका आपके YouTube चैनल MCG Academy ग्वालियर में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं एक्सपीरियंस वीडियो लेकर के आ रहा हूं। लगातार जो भी मेरे साथ ही संपर्क में आ रहे हैं और अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उन सारे अनुभवों को आप सुन करके जाइएगा, जिससे आप लोगों को ट्रेड टेस्ट में कुछ भी नया ना लगे। तो ये एक्सपीरियंस का चौथा वाला पार्ट है। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और इस वाली वीडियो में जो पहली वाली वीडियो मैंने डाली थी उनमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आ रही थी। तो इस वाली वीडियो में मैंने उन्हें से क्लियर करवा दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को ले आना है और किस प्रकार से वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करवाना है। तो आप लोगों को इनका जो है अनुभव पूरा अंत तक जरूर सुनना है कि इन्होंने क्या क्या आप लोगों को बताया है, और जो है आप लोगों को आगे भी अनुभव यदि आपको एक्सपीरियंस लेते रहना है तो आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करना है। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि यदि आप जो है RPF के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो तो उनमें मुझे ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरा नंबर है आप लोगों का 9303315375। इस नंबर को आप जो है RPF यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो तो आप मुझे ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी मैं लगातार आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। ये आप लोगों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, इसीलिए कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग इनका जो है अनुभव पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। इनका ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए आगे ऐड कर रहा हूँ, ओके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हाँ तो सर, आपका कहाँ था सर? जी नासिक रोड महाराष्ट्र में था। सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पूछे जा रहे हैं, तो सर आप मुझे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइएगा कि मतलब आप एकदम सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइएगा सर। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या? डॉक्यूमेंट्स में देखिए, जनरल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट एक लग रहा है सेंट्रल का। हाँ, और सेंट्रल का मतलब तत्काल का ही, 3 साल के अंदर का। तीन साल के हाँ अंदर का चाहिए, एक्स्ट्रा में नहीं चाहिए, 3 साल से ओवर का नहीं चाहिए। सर 3 साल के अंदर का या 3 साल से मतलब पहले का? नहीं, 3 साल के अंदर का। 3 साल के? 3 साल के अंदर बनवाया गया हो जो भी। ऐसा सर जी। और 10th-12th की मार्कशीट। हाँ। और अपना निवास। और आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ कंपलसरी है। तो अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या पैन कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पैन कार्ड। या पैन कार्ड जी। तो सर आप बस और उसकी सबकी एक फोटोकॉपी चाहिए, एकदम मतलब जरूरी। एक फोटोकॉपी बना के अच्छी मतलब सेट बना के ले जाना है, नहीं तो वहां से फिर भगा देंगे, कोई मतलब नहीं होगा। मतलब क्वालिफाई होने के बाद ही भगा देते हैं यदि सेट नहीं होगा तो? जी जी, अगर फोटोकॉपी नहीं होगा तो केवल फोटोकॉपी का एक सेट लेके जाना है सभी का से। अच्छा, और सर फोटोकॉपी का एक सेट लेकर के जाना है। और सर और फोटो अपनी जो लगी है ना उस समय दिए हैं फॉर्म फिल करते हुए, एप्लीकेशन फिल, वही वाली फोटो चाहिए। अच्छा सर, और सर एक बात और बताइएगा सर, जो है जन्म प्रमाण पत्र के बारे में क्या है मेरे से जो? जी नहीं, जन्म प्रमाण पत्र ये सब कुछ नहीं लग रहा है, कंपलसरी नहीं है। अगर है आपके पास तो ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ले जाए उसका लिए उतना दिक्कत नहीं है। बस मार्कशीट ही मेन चेक हो रही है ज्यादातर। हाँ। और वो मतलब जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी उतना ढंग से नहीं चेक कर रहे हैं, सिंपली चेक करके बस फोटो कॉपी लेके सेट का 1 घंटे बस लग रहा है, 1 घंटे में हो जा रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है जी। तो अपन जैसे कितने बजे अंदर जा सकते हैं? मुझे पूरा मतलब साथी लोग पूछ रहे हैं कि सर हम कितने बजे जाएं, कितना कुछ हो जाए तो सर आप बता। देखिए सुबह में 5:30 बजे से एंट्री का टाइम है एडमिट कार्ड पे। हाँ। अगर इस समय तो अभी बरसात हो रही है, मान लीजिए कोई की ट्रेन लेट भी हो गई या कोई लेट लद्दाख पहुंचे तो मतलब 6 बजे तक जाए या 7 बजे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। देखिए आप पहले जाओगे, एंट्री करोगे, एडमिट कार्ड चेक करके और अंदर करेगा। हाँ। बैरक में बैठाएगा, एक बड़े बैरक में सबको पहले। हाँ। पूरे लोग को एंट्री करा के बैठा देगा, उसके बाद लिस्ट आएगी। लिस्ट जैसे जैसे फिजिकल हुआ होगा ना, या जैसे मतलब डे वाइज या कुछ भी वाइज, नंबर वाइज, अल्फाबेट वाइज तो ऐसे ज्यादातर रह रहा है। अच्छा, तो उसके बाद नंबर आएगा, आप पहले चले जाओ या लेट चले जाओ, नंबर वाइज ही वो आना है। अच्छा। लिस्ट में से जैसे जैसे नंबर होगा वैसे वैसे लगाएगा लाइन। हाँ। और उसके बाद 50-50 की बैच करके अंदर लेते जाएगा, उसके बाद फिर अंदर जाके और बैठा के 1 घंटे फिंगरप्रिंट लेगा। फिंगरप्रिंट हो गया, उसके बाद बैठाएगा 1 घंटे अंदर ले जाके, 1-2 घंटे, उसके बाद बैठा के सब बता देगा कि ऐसा ऐसा है, कॉन्स्टेबल इकट्ठे हैं बता देंगे। हाँ। कैसे ट्रेड टेस्ट होगा, घबराना मत, ये वो बस, उसके बाद जाके लाइन वहाँ लगेगी ट्रेड टेस्ट के लिए 12-12 बैच। आप मतलब बता सकते हो कॉन्स्टेबल क्या कहते हैं मतलब?
थोड़ा क्या बच्चे लोग। कॉन्स्टेबल ये बताते हैं कि देखो घबराना नहीं है, बस अपना जो भी है घर का सिंपली जो बनाए हो बस वही बनाना है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनवाया जाएगा, रोटी और सब्जी बनवाई जाएगी। और ध्यान इधर उधर मत रखना क्योंकि सर लोग बहुत वो करते हैं, एक एक चीज को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यही सब ध्यान रखना है क्योंकि भर्ती हो जाओगे तो सही है। जहाँ तक उन लोग तो सलाह देते हैं सीट कम है लेकिन प्रयास करो, और चीज में भी प्रयास करना, इसमें से हटना भी, तो बस उन लोग आगे ही बढ़ने का उद्देश्य देते हैं, पीछे बढ़ने का उद्देश्य नहीं मतलब देते। मोटिवेट करते हैं एक तरीके से। जी, अच्छे मोटिवेशन में है सब लोग वहाँ के, और बोल रहे हैं कि यहाँ नासिक में ही अपना जो भी है ये मतलब ट्रेडमैन का, हाँ उसका ज्यादातर नासिक में ही बुलाया जाता है बच्चों को ट्रेनिंग के लिए, अच्छा ट्रेनिंग और भी यहीं नासिक पे में ही रखा होता। जाएगा। जी खाना बनाने के लिए यहीं पे रखा जाएगा। आप लोग का कुछ रनिंग वनिंग इसलिए सिंपल लिया गया कि आप लोग का फिजिकल ज्यादा यहाँ होना नहीं है ट्रेनिंग में, बस सिंपली खाना ही आप लोग को बनवाना जाएगा मेस में। ऐसा जी तो सर आपने बहुत अच्छा सर अपना अनुभव शेयर किया, और अपने भाई लोगों को कुछ यदि कुछ कहना चाहो तो बोल दीजिएगा जिससे आपकी आवाज़ सभी लोग सुन सकें। जी सर सर मैं यही बोलना चाहूंगा जो भी एक्स्ट्रा की बातें मतलब जन्म प्रमाण पत्र ये वो के चक्कर में ना पड़े भाई लोग हमारे, बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि मतलब जितना भी है मैं बता दिया, बस रिजल्ट 10th 12th की मार्कशीट, अपना निवास और आधार कार्ड, और जनरल हो तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ओबीसी SC ST हो तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना जरूरी है, और उसकी सबकी फोटोकॉपी की एक सेट चाहिए, एक या दो जो भी आप ले लो, और फोटो चाहिए अपना दो दो पासपोर्ट साइज फोटो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए लगा था, बस इससे एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगेगी। तो ये सब कुछ कंपलसरी है जो कुछ आपने बताया। जी सर। और इसका एक फोटो कॉपी सेट भी ले जाना है। जी सेट एक ले जाना है, अच्छा पिन मार के यहीं से लेके जाओ तो अच्छा है सबसे अच्छा। हाँ मतलब नहीं तो फिर क्लियर भी हो जाएगा, फ्री बार कर जी, देंगे। जी जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी प्रकार से जो है अनुभव शेयर करते रहिए। सर मेरे जितने भी साथी हैं वो भी मुझे अनुभव दे रहे हैं, दिन भर से मैंने 3 से 4 वीडियो तैयार किए हैं आज। जी सर और मतलब बहुत ही आपका आभार, क्योंकि सर कोई भी नया बच्चा जाता है तो वो क्या है घबराता है कि वहाँ क्या होने वाला है, ये सब कुछ यदि जी बच्चे सर को जी पता सर चल जाता है थोड़ा वो क्या है हल्का हो जाता है कि ऐसा कुछ हाँ जी सर सही है कि जिसका नहीं। सर पहली बार है ना वही बस घबरा रहा है, और बाकी लगभग मतलब मैं तो हिम्मत बांध के गया था कि मैं कुछ भी होगा उन लोग खाएंगे थोड़ी ना, बस शाम को मान लो आउट कर देंगे अगर मतलब फेल भी हो जाते हैं, तो बहुत बहुत मैं अपना हिम्मत बांध के गया था और हिम्मत में मैं सफल हुआ, कुछ ज्यादा उन लोग नहीं करवाए, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने बिहेवियर तरफ से बिहेव किया है, और आपसे कुछ क्या ज्यादा धमकाया आपसे नहीं क्या है। करवाया था सर? जी सर सब्जी कटवाया था मेरे से। सब्जी कटवाया था तो आपने कैसे जी मतलब कितने प्रकार की क्या सब्जी काटी मतलब? मैं सब्जी में काटा था, आलू काटा था, छील के आलू में काटा था, और लड़के जो भी जाए बस बोलना आपके बिना छीले हुए मत काटे, अभी से मतलब चाकू से ही छीलने का प्रयास करे, छीलनी वहां नहीं मिलेगी आपको। हाँ हमारे और भी साथी हैं जिन्होंने भी ये अनुभव शेयर किया है, इसी प्रकार से क्या है कि सभी लोगों को जो है नया सा फील ना हो, इस कारण से मैं सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता हूँ सर। जी सर सबको तो मान लीजिए कि मतलब कि उतना सब्जी स्पीड में काटने की प्रैक्टिस नहीं होगी, फिर भी मैंने आलू स्पीड में काटता था मैं तो, आलू काट दिया, टमाटर काट दिया, और भिंडी काट दिया 2 ठो, मतलब सैंपल एक दिखाना था, 5 खंदे वाली बड़ी वाली प्लेट थी उसी में 5 सिंपल सब्जी काट के बोला कि जितने आ रहे हैं उतने करके दिखाओ जल्दी। और सर ये क्या बताइए जो कुछ भी मैंने वीडियो बनाया था उनमें से आया कुछ सर? जी सर बहुत हेल्पफुल रहा, जी सर आपका वीडियो तो बहुत हेल्पफुल रहा सर, रोटी का आपने जो बताया रहा सेम वही तरीका वहाँ अपनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर क्या है कि हमारे जो सुमित जी हैं उनके अनुभव के आधार पर ये वीडियो बनाया गया, तो कुछ भी फेंक हम जी देना सर, नहीं सर बहुत चाहते। हेल्प मिली आपकी वीडियो से, हमने बहुत वो कुछ सीखा आपकी वीडियो से, बहुत कॉन्सेंट्रेट ऐसे ही पहले से ही वो करके मैं गया था यहाँ से, ऐसे ही सिंपल करूंगा सर, कुछ अनुभव जरूर होगा तभी वीडियो बनाया है, मैंने ऐसे ही किया सिंपल और एकदम सेम आपका ही वीडियो जैसा वहां बनवा रहे थे, बहुत उससे बहुत कुछ भी धन्यवाद अलग नहीं था सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे जो बहुत से भाई लोग होते हैं वो इस प्रकार से कहते हैं सर आप फालतू वीडियो बनाते हो, आप बिल्कुल कह दीजिए कि हम नहीं फालतू सर वीडियो कुछ। बहुत अच्छा था आपका वीडियो, बहुत हेल्पफुल रहा सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, जी सर बहुत बहुत धन्यवाद।